चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों ने गुरुवार को श्योपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कलेक्टर ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करके चंबल नहर में पानी छोड़े जाने का आश्वासन दिया और जिले में व्याप्त बिजली समस्या के निदान का भी आश्वासन दिया। किसान नेता राधेश्याम मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्योपुर जिला कृषि प्रधान जिला है, कृषि जिले में मुख्य आय का स्रोत है, ऐसे में नहर से पानी छोड़े जाना बेहद जरूरी है। इस वक्त लाइट भी खत्म होगी और इस वक्त चंबल नहर में पानी अगर छूट जाए अभी तो किसानों की फसल फंस सकती है, नहीं तो किसानों की फसल मरने की कगार पर है। एक किसान को एक बीघा 10,000 रुपये खर्चा आएगा, फसल भी उसके पैसे भी लग गए, फसल भी नहीं होगी। अगर सरकार इस बात को सोचे, हर साल नदी में बुआते चंबल नदी में पानी, तो उसको नहर में निकाल दिया जाए। इसके लिए आज इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया इस मामले। आज श्योपुर कलेक्ट्रेट पर हमारे जिले के समस्त किसानों ने चंबल दानी मुख्य नहर में पानी छोड़ने के लिए कलेक्ट्रेट ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चंबल दाहिनी मुख्य नहर में पानी छोड़ा जाए जिससे धान की फसल सोयाबीन की फसल में पानी दिया जा सके। अगर इस समय पानी धान नहर में नहीं छोड़ा गया तो धान की फसल पूरी तरह चौपट हो जाएगी। अगर इस माध्यम से किसान भारतीय किसान यूनियन के ओर से शोभ कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया गया है जिसमें चंबल नहर में जो फालतू पानी आता है, चंबल नहर में जो पानी आता है उसको अभी रोक रखा है उन लोगों ने वहाँ पे कोटा विरासे, जबकि उसको नदी में छोड़ रहे बिना फालतू, कोई काम नहीं आ रहा वो, तो उस पानी जो व्यर्थ पानी बहा रहे हैं उसको चंबल नहर में छोड़े ताकि किसानों की फसल पक चुके। और जो धान का जो सीजन है अभी जो चल रहा है उसमें धान लाइट वगैरह कुछ नहीं मिल रही है, ओवरलोड फिटर चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं सभी किसानों की फसल पके और सभी के अच्छी फसल हो और पानी की पूर्ति हो, फीडर ओवर लोड से वो भी कम, उनका लोड भी कम हो ताकि अच्छी बिजली मिल सके और अच्छा पानी मिल सके। इसलिए हमारा यही है कि हमने आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है तो चंबल नहर में पानी छोड़ा जाए, इसके लिए आज हम सभी ने यहाँ पे उपस्थित होकर के ज्ञापन दिया है।